नमस्कार दोस्तों, किशोर टेक सपोर्ट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स दोस्तों, आज हमारे पास एक 24 इंच का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि उसमें बैकलाइट होके नो डिस्प्ले प्रॉब्लम में है। फ्रेंड्स तो देखते हैं फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप कि इस डिस्प्ले में हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है, पैनल में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में। तो देखते रहिए फ्रेंड्स वीडियो, तो वीडियो करते शुरू। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये एक 24 इंच एलईडी टीवी है हमारे पास आया हुआ है, यूनिवर्सल कंपनी का है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं जब पावर इन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप रेड लाइट देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसको मैं जब स्टैंड बाई कर रहा हूँ तो इसका बटन काफ़ी हार्ड है, ये स्टैंड बाई हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बैग लाइट आ चुका है फ्रेंड्स, इसमें कांच की फ्रेम है तो बैग लाइट हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन बैग लाइट इसमें आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यहाँ बैग लाइट आ चुका है अगर दिख रहा है तो इसको मैं पावर बंद करता हूँ। कहीं से भी मैं आपको इसकी बैग लाइट दिखाऊंगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैग लाइट हमारी आ रही है, आप देख सकते हो, ये देखो इस होल से यहाँ पे आ रही है और यहाँ से भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, लेकिन हमारा ग्राफिक इसमें कोई नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो चलिए खोल के देखते हैं, अभी तक का खोला नहीं है हमने फ्रेंड्स, खोल के देखते हैं कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो कि टीवी हमने खोल लिया है और यहाँ पे हमारा ये बैग लाइट चालू हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो पहले हम लोग इसकी बेसिक सप्लाई अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे फ्यूज है ये वाला, मैं इसको पहले ग्राउंड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ पे हमको 12 वोल्ट सप्लाई परफेक्ट मिल रही है, और ये कॉइल हमारी 3.3 है आप देख सकते हो, और ये हमारा AVDD का डायोड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे AVDD का हमारा कोई बूस्टिंग सप्लाई जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, इसमें यहाँ से 12 वोल्ट जब DC to DC IC में जाएंगे तो यहाँ से हमारी 1.2 3.3 दोनों सप्लाई सबसे पहले जनरेट होगी, और हमारा ये टीकॉन प्रोसेसर IC है इसमें जाएगा, फिर यहाँ से एक इनेबल सिग्नल हमको यहाँ से 3.3 मिलेगा, तब हमारा सब बूस्टिंग सप्लाई हमको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से मैं VGH चेक कर रहा हूँ तो VGH की सप्लाई भी हमको नहीं मिल रही है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कोई यहाँ पे मार्किंग कोड सभी यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये VGH है, ये वाला माइनस में आ रहा है, ये 3.3 है, ये भी सही है। तो मैं ऊपर से ही आपको यहाँ से ही दिखाता हूँ, VGH में भी कोई सप्लाई हमको नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मैं पावर को ऑफ कर देता हूँ और शॉर्टिंग चेक करेंगे हमारा, इसमें कोई PF शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, ये ग्राउंड हमको मिल रहा है, ये PF हमको
दोनों साइड शॉट नज़र दिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये तो 12 वोल्ट की पैनल सप्लाई है, ये तो परफेक्ट है। फिर यहाँ से यहाँ पिए, फिर ये भी सही है, 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 ये भी सही है। एक तो भाई हमारा मन मगे रह रहा है, मर के दूंगा। ये वाला पीएफ हमको दोनों साइड शॉर्ट नजर आ रहा है, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों पीएफ हमारा शॉर्ट है और एक पीएफ यहाँ पे लगा है, ये वाला, ये भी हमको शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो अभी हम लोग इस शॉर्ट किलर से चेक करेंगे कि हमारा शॉर्ट यहाँ से रिमूव होता है या नहीं होता है। तो इसको हम लोग टच करके देखते हैं। कोई पीएफ हमारा गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारी एवीडीडी की लाइन है फ्रेंड्स, देखते हैं कोई एवीडीडी की लाइन है तो आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आप शॉर्ट किलर यहां पे अप्लाई कर सकते हो। पार्ट्स गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, फिलहाल अभी तो कोई गर्म नहीं हो रहा है, हो सकता है हमारा पॉप खराब है। तो हम लोग यहाँ 12 वोल्ट दे के चेक करेंगे क्योंकि ये हमारा एम्पियर कम पड़ रहा है तो शॉर्टिंग नहीं निकल रहा है। फिर भी देखते हैं शॉर्ट हमारा निकला है या नहीं निकला। तो आप देख सकते हो कि अभी तक शॉर्ट हमारा नहीं निकला है, शॉर्ट अभी भी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 12 वोल्ट की सप्लाई को यहाँ पे लगाएंगे या तो फिर ये तीनों पीएफ अभी हम लोग निकाल देंगे, फिर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का जब सप्लाई यहाँ पे दिया शॉर्ट किलर, तो यहाँ से एक पीएफ था जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये हमारा कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये ग्राउंड और ये लाइन हमारी क्लियर हो चुकी है। यहाँ से हमने ये पीएफ यहाँ से निकाला, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से ये जल चुका है फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं कि हमारी सप्लाई यहाँ पे बनती है या नहीं बनती है। तो टीवी को हम लोग करते हैं चालू फ्रेंड्स, ये चालू किया और पावर बटन काफ़ी टाइम ले रहा है, ये चालू हो चुका है फ्रेंड्स हमारा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी बैक लाइट चालू हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सप्लाई जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स शॉर्ट किलर निकालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये एवीडीडी सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मीटर की रीडिंग में। और फिर आगे की सप्लाई जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये भी एवीडीडी है और नेक्स्ट सप्लाई जब हम चेक करेंगे तो ये हमारा एचएवीडीडी है, ये भी एवीडीडी है और ये विकॉम सप्लाई है, ये भी परफेक्ट तरीके से हमारा आ चुका है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट सप्लाई हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये वीजीएल की सप्लाई है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो।
तो नेक्स्ट सप्लाई अभी हमारी बची है जो कि VGH की है। जो VGH सप्लाई भी आपको इसमें दिखाऊंगा। मीटर को थोड़ा मैं 200 की रेंज में रखता हूँ और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे 29 वोल्ट सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे VGH की सप्लाई आ चुकी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पैनल की सारी सप्लाई एक PF के माध्यम से हमने निकाल दिया है, तो सभी सप्लाई आ चुकी है। तो डिस्प्ले में कुछ ना कुछ आ जाना। ये हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसी से हमने शॉर्ट किलर बनाया हुआ है। तो देखते हैं सर इसमें कि फ्रेंड्स कुछ ग्राफिक बना के नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ ब्लू कलर बिल्कुल परफेक्ट, हमारा ब्लू बैग आ चुका है और नो सिग्नल भी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप भी काम कर सकते हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल में कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, जो भी वीडियो है वो लाइव वीडियो आता रहेगा फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।